जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आपका अपने YouTube चैनल प्रेम फिटनेस क्लब पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्ट रनिंग कैसे करें, क्योंकि अगर आप किसी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो या फिट रहने के लिए रनिंग की तैयारी कर रहे हो या रनिंग फास्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल जरूर चलते रहते होंगे कि हम तेज क्यों नहीं दौड़ पाते हैं, हमारा स्पीड कैसे बढ़ेगा, क्या हमें वर्कआउट करना चाहिए, कौन कौन सी गलती हम कर रहे हैं, कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। दोस्तों अगर आप भी अपना रनिंग फास्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें फॉलो करके आप जितना चाहो उतना तेज दौड़ सकते हो, वो भी बिना थके। तो बिना किसी देर के करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। लेकिन आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक अगर आप बने रहोगे तभी आपके समझ आएगा। और अगर आप किसी एक बंदे को फॉलो कर रहे हो तो आपका रनिंग में स्पीड आना ही आना है। अगर आप तरह तरह के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तरह तरह के लोगों की बात सुन रहे हो, तरह तरह के कोच अगर आप बदल रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। चाहे मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बनाता हूं, चाहे वो दूसरा बंदा कितनी भी अच्छी वीडियो बनाता है, चाहे तीसरा बंदा कितनी भी अच्छी वीडियो बनाता है, अगर आप उस पर भी जाओगे, मेरे पे भी आओगे, उस बंदे पे भी जाओगे तो दोस्तों आपका कभी भी रनिंग में परफॉर्मेंस बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग तरीका होता है रनिंग में परफॉर्मेंस बढ़ाने का। तो चलिए शुरू करते हैं, वो कौन सी 5 बेस्ट टिप्स हैं जो आपकी रनिंग को फास्ट करने वाली हैं। तो सबसे पहली टिप्स, क्या गलती ना करें। दोस्तों अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हो तो उसका प्रॉपर नॉलेज आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज नहीं पता है तो सिंपल सी बात है कि आप उसमें गलती करेंगे ही, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट टिप्स ये रहेगा कि क्या गलती ना करें। क्योंकि होता क्या है कि बहुत भाई जब रनिंग करने के लिए ग्राउंड में आते हैं तो बड़े बड़े जो अच्छे लेवल के धावक होते हैं, जो पहले से फास्ट भाग रहे हैं, तो उनके साथ वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि जो बंदा महीनों से मेहनत कर रहा है, 6 महीने से मेहनत कर रहा है, साल भर से मेहनत कर रहा है, उसका रनिंग मजबूत है, उसका बॉडी मजबूत है, उसका बॉडी में स्ट्रेंथ है, लेकिन आप जब शुरुआती दिनों में उसके साथ वर्कआउट करोगे तो सिंपल सी बात है कि आपको इंजरी होनी ही होनी है। तो दोस्तों जब भी आप ग्राउंड में जाओ तो आप धीरे धीरे रनिंग की शुरुआत करो, प्रॉपर आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए, प्रॉपर आपको वार्म अप करना चाहिए, और शुरुआती कम से कम 1-2 महीने 3 महीने किसी अच्छे धावक के साथ प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करें। उससे आप गाइड ले सकते हो कि हमें किस प्रकार से वार्म अप करना चाहिए, किस प्रकार से स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, क्या हमें वर्कआउट फॉलो करना चाहिए, इस तरीके से आप उससे जानकारी ले सकते हो, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। लेकिन अगर आप शुरुआती दिनों में उसके साथ वर्कआउट करने के लिए लग जाओगे तो आपकी बॉडी में इंजरी होनी होनी है, कोई भी नहीं रोक सकता। टिप्स नंबर 2, कितने टाइम हमें वर्कआउट करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो सभी के मन में गूंजता रहता है कि हमें कितने समय वर्कआउट करना चाहिए। कभी कभी तो आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत भाई तो 3 टाइम वर्कआउट करते हैं, 4 टाइम वर्कआउट करते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है, आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों वैसे तो रनिंग करना, किसी भी एक्सरसाइज को करना सुबह के समय बहुत ज़्यादा सही माना जाता है, लेकिन अगर आप सुबह करना चाहते हो तो भी ठीक है, आप शाम को ट्रेनिंग करना चाहते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप पूरे दिन में एक बार ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो भी आप सुबह कर रहे हो या शाम कर रहे हो थोड़ा एफर्ट के साथ ट्रेनिंग करना है, और डेली डेली आपको थोड़ा थोड़ा वर्कआउट का कैपेसिटी बढ़ाते चलना है। और अगर आप 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हो, सुबह भी कर रहे हो शाम को भी कर रहे हो, तो आप एक टाइम तो हार्ड ट्रेनिंग करें और एक टाइम लाइट ट्रेनिंग करें। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 2 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी वीकनेस आता है तो आप पूरा वर्कआउट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। चाहे आप वर्कआउट 3 टाइम करते हैं, चाहे 2 टाइम करते हैं, चाहे 1 टाइम करते हैं, आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में खाना, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की मौजूदगी होनी चाहिए, ये आपको अच्छी डाइट से ही मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अच्छी डाइट लेनी है, इसी के साथ साथ आपको शुरुआत के कुछ दिनों में आपको 1 ही टाइम वर्कआउट करना है, और अगर आप 2 टाइम वर्कआउट करते हो तो 1 टाइम हार्ड करना है, 1 टाइम लाइट वर्कआउट करना है। टिप्स नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, वर्कआउट में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा रनिंग फास्ट हो जाए। तो मैं आपको 5 तरह की ऐसी बेस्ट टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करने के बाद आपका रनिंग में स्पीड बढ़ना ही बढ़ना है, कोई भी नहीं रोक सकता। जिसमें फर्स्ट नंबर का हमारा रहेगा एंड्योरेंस ट्रेनिंग। इसमें आपको 1 हफ्ते में एक बार आपको 8 किलोमीटर की स्लो रनिंग करनी है। नंबर 2, 1 हफ्ते में एक बार आपको 25 मिनट स्लो फास्ट करनी है, जिसमें आपको 100 मीटर स्लो 100 मीटर फास्ट, इस टाइप से आपको 25 मिनट करना है। नंबर 3, हफ्ते में आपको एक ही बार
लंबी और शॉर्ट रेपिटेशन लगानी है इस टाइप से। 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, 400 मीटर हो गया, 800 मीटर हो गया और किलोमीटर हो गया। इस टाइप से आपको एक बार हफ्ते में रेपिटेशन लगानी है इस टाइप से। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से आप हफ्ते में एक बार रेपिटेशन लगा सकते हो। नंबर 4, आपको 20 मिनट आपको स्टेयर्स करना है। जो सीढ़ियों वाली जगह होती है आपको 20 मिनट करना है, उतार चढ़ाव वाली जगह होती है। इससे आपका फेफड़ा मजबूत होगा, आपका दिल मजबूत होगा, आपकी बॉडी मजबूत होगी, आपके पैरों का पावर बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार आपको 20 मिनट आपको स्टेयर्स करना है जो उतार चढ़ाव वाली जगह होती है इस टाइप से। नंबर 5, नंबर 5 है सैंड रनिंग। जो रेत वाली जगह होती है इसमें आप धीरे धीरे रनिंग करें और करीब करीब आपको 20 से 30 मिनट आपको स्लोली स्लोली रनिंग करना है, और बीच बीच में आप थोड़ा फास्ट भी रनिंग करते रहें। उसके दौरान क्या होगा कि आपका बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंड्योरेंस लेवल बढ़ेगा, आपका रनिंग में स्पीड ऑटोमेटिक ग्रो होने लगेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जो रेत वाली जगह होती है इसमें आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट, 30 मिनट आपको अपनी क्षमता के अनुसार स्लो स्लो रनिंग करना है, और बीच बीच में आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है दोस्तों रेस्ट। दोस्तों ये सब वर्कआउट अगर आप करोगे तो आप बहुत ज्यादा थक जाओगे। इसी के दौरान आपको क्या करना है, हफ्ते में मैं आपको रिकमेंड करूंगा शुरुआती दिनों में, आपको हफ्ते में जैसे मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस टाइप से 7 दिन होते हैं। इसमें आपको संडे को प्रॉपर मात्रा में आपको रेस्ट लेना है, और इसी के दौरान आपको बीच में भी रेस्ट लेना है। जैसे थर्सडे को रख सकते हो, वेनेसडे को रख सकते हो, इस टाइप से आपको हफ्ते में 2 बार रेस्ट लेना है। क्योंकि शुरुआती दिनों में अगर आप अपनी बॉडी से ज्यादा एफर्ट लगा दोगे तो आपकी बॉडी इंजरी में चली जाएगी, और इंजरी में चली जाएगी तो दोस्तों आप पूरी तरह से भाग नहीं पाओगे, और आप बिना रनिंग को कंप्लीट करें, बिना रनिंग को फास्ट करें, आप पूरी तरीके से घर बैठ जाओगे। तो दोस्तों मैं आपको शुरुआती दिनों में बोलना चाहूंगा कि आप हफ्ते में 2 दिन रेस्ट लें। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम, खाना क्या खाएं। नंबर 4 पॉइंट, खाना क्या खाना चाहिए। दोस्तों अगर आप रनिंग को फास्ट करना चाहते हो, स्टेमिना को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हो, बस एक या दो चीज बताऊंगा जो मैंने खुद अपने ऊपर यूज करी है, जिनसे मेरा रनिंग फास्ट हुआ है, जिनसे मेरा स्टेमिना बढ़ा है, जिनसे मेरी रनिंग में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला है। दोस्तों जब आप सुबह के समय या शाम के समय जब भी आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या खाना चाहिए, आपको 3 या 4 खजूर खाने हैं। खजूर जो होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा, 3 से 4 खजूर खाने के बाद जब आप ग्राउंड में रनिंग करने के लिए जाओगे ना, तो दोस्तों अलग से आपको एनर्जी फील होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इससे आपको वर्कआउट को बिना थके लंबे समय तक आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। इसी के बाद जब आप घर पे आते हो, घर पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास दूध लेना है, मिल्क, और इसमें आपको 2 केले डालने हैं, बनाना। इसमें 1 गिलास दूध में 2 केले डाल के आपको क्या करना है, 4 से 5 आप इसमें बादाम डाल सकते हो, 4 से 5 इसमें आप काजू डाल सकते हो, 4 से 5 आप इसमें मुनक्का डाल सकते हो। इस तरह से अगर आप इसका शेक बना के पियोगे भाई, पूरे दिन आपकी बॉडी एनर्जी फील करेगी, साथ ही साथ आपकी जो बॉडी में थकान है वो भी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। इसके बाद हल्का फुल्का आप खाना खाते रहें, और जो भी कुछ खाएं लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा खाएं, एनर्जी भरी चीज़ आप ज़्यादा खाएं, ताज़ा फलों का सेवन करें, जूस का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, और आपको ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। कहने को बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पूरी तरीके से अच्छी डाइट को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से ये 2 चीज़ें यूज करते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, तो आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। अब इसके बाद लास्ट टिप्स है, बॉडी को रिलैक्स कैसे करें। अब हमने वर्कआउट के बारे में बता दिया, कौन कौन सी आपको गलती नहीं करनी है ये भी बता दिया, क्या क्या आपको खाना चाहिए ये भी बता दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अब हमें वर्कआउट किससे करना है, अपनी बॉडी से करना है। अब इसका रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको रेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको ही रेस्ट नहीं देंगे तो भाई कितनी भी डाइट खा लें, कितना भी वर्कआउट कर लें, भाई वो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। अब रेस्ट के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, हफ्ते में आप 2 बार रेस्ट लें, मैंने यहां पे भी आपको बताया था। अब संडे वाले दिन आपको क्या करना है, संडे वाले दिन आपको तिल का तेल लेना है, सरसों का तेल लेना है, पूरी बॉडी से आपको मसाज करनी है। इसी के साथ साथ अगर आप रोजाना वर्कआउट करने के बाद घर को जाते हो, तो घर पर जाने के बाद आपको क्या करना है, घुटने से नीचे नीचे आपको बर्फ से सिकाई करनी है। इससे भी आपकी पैरों की जो मसल्स हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती हैं। और याद रहे, अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप ज़्यादा सिकाई ना करें, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, पर्याप्त मात्रा में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। 4 से 5 लीटर अगर आप रोजाना पानी पीते हो
तो आपकी जो बॉडी में पानी की पूर्ति बरकरार रहेगी, साथ ही साथ जब हमारी मसल्स में क्रैम्प आता है तो क्रैम्प आने की संभावना होती है कि हमारी बॉडी में कम पानी भी हो सकता है। कम पानी की वजह से हमारी जो मसल होती है वो पूरी तरीके से टाइट हो जाती है। टाइट होने के बाद जब हम एफर्ट लगाते हैं तो हमारी जो मसल है वो फट जाती है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप इन सारी समस्याओं से बचना चाहते हो तो प्रॉपर 4 से 5 लीटर पानी पिए दोस्तों। अगर आप ये 4 से 5 टिप्स अगर आप रोजाना फॉलो करते हो, अपने वर्कआउट के दौरान फॉलो करते हो, तो 101% आपका फास्ट रनिंग होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। जो भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो 1600 मीटर हो गया, चाहे 400 मीटर हो गया, चाहे 5 किलोमीटर हो गया, चाहे कोई भी फिजिकल हो गया, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो और लाइव ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।